हेलो स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स सितंबर 29 के। चलिए देख लेते हैं करेंट अफेयर्स में आज क्या क्या है हाइलाइट्स, क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज नेशनल, इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, तो या फिर ट्रेंडिंग क्या है। ये सारे न्यूज के कलेक्शन आपको ले आते हैं सेलेक्ट एफर्ट। उम्मीद है ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंस हुआ और वो अवार्ड दिया गया इनको। साथ में इंडिया की ऑस्कर में एंट्री हुई है और वो है ये मूवी। इन सारी बातों के साथ हम चलती आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023। चार ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है वहीदा रहमान। या ये रही वहीदा रहमान और क्या शानदार इनका फिल्मी जीवन रहा है, बेहतरीन मूवीज के सीरीज इन्होंने दिए हैं। कुछ के नाम यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे गाइड, प्यासा, तीसरी कसम, कागज के फूल या फिर सहा बीवी और गुलाम, खामोशी, 20 साल बाद, नील कमल और बहुत ही रिसेंटली एक मूवी आई थी डेली सिक्स, राम श्याम। बहुत सारी मूवीज हैं जो इन्होंने दी हैं और शायद इसीलिए ये सब देखते हुए इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि फिल्म की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो वहीदा रहमान को ही नवाजा गया। अगला पॉइंट देखते हैं, हु डायरेक्टेड द मलयालम मूवी 2018 एवरीवन इज अ हीरो व्हिच विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द एकेडमी अवार्ड्स इन 2024। राइट आंसर इसका जूड एंथनी जोसेफ, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और ये फिल्म की भाषा है मलयालम, जो कि केरल वाले एरिया में बोली जाती है। नाउ इस फिल्म का एक पोस्टर भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसकी जानकारी यहाँ पर और आपको मिल जाएगी। द मलयालम मूवी 2018 एवरीवन इज अ हीरो डायरेक्टेड बाय जूड एंथनी जोसेफ हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन एकेडमी अवार्ड इन 2024 फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ केरल फ्लड्स एंड क्लाइमेट चेंज इशू। जबर बहुत बड़ा केरल में फ्लड आया था, एक क्लाइमेट चेंज हुआ था और हर इंसान उसमें हीरो की तरह एक दूसरे की सहायता किया, सभी हीरो थे। अगला पॉइंट यहां देखिए, व्हिच करेंसी हैज एमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द सितंबर क्वार्टर इन 2023। और आपको बेहद आश्चर्य होगा, ना तो ये यूएस डॉलर है, ना ही यूरो है, ना ही जापानीज येन है। ये राइट आंसर है अफगानी, अफगानिस्तान की करेंसी, अफगान अफगानी कहलाता है ये। और आपको एक और हैरान करने वाली चीज एक फोटो में दिखाता हूँ आपको, अफगानिस्तान 1960s-70s में आज के मॉडर्न वर्ल्ड की तरह था, वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते थे वो देखकर आपको अंदाजा लगेगा। और ये रहा ये पिक्चर, ये देखिए यहाँ वहाँ की ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं और इनके ड्रेस देखिए और इनको इनका ये देखिए कि आज के समय से अगर हम कंपेयर करें तो कितना आगे था उस समय में, कितना कंटेम्पररी था अफगानिस्तान। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आ रहा है, विच बैंक्स लाइसेंस रिसेंटली वाज कैंसल्ड बाय आरबीआई ड्यू टू कंसर्न रिगार्डिंग इट्स इनएडिक्वेट कैपिटल। और राइट आंसर है इसका कपोल कोऑपरेटिव बैंक, कपोल कोऑपरेटिव बैंक ये राइट आंसर है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, अरे उसके पहले तो ये आ गया और ये देख लीजिए, ये ऐसा इसलिए आया है कि हम आपके लिए एवरीडे लेकर आ रहे हैं हाईलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ट्रेंडिंग जो भी है, और ये सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है आने वाले एग्जाम में। फिल्म वर्ल्ड से क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है, सब चीज जो कंसर्न है आपके एग्जाम से वो लेकर आते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आता होगा और आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। अब तो कुछ ही समय बाकी रह गया है IBPS PO का एग्ज़ाम और उसके बाद स्टेट बैंक एग्ज़ाम, और ये सारे पॉइंट्स उसको नज़र में रखते हुए आपको यह सिलेक्टिवली दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे का न्यूज़ क्या है। और आगे के न्यूज़ में पहला पॉइंट आ रहा है, हु वन गोल्ड इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट एट द 2023 एशियन गेम्स एट चाइना। चाइना में ये एशियन गेम्स हो रहा है और यहाँ 50 मीटर राइफल में किसको मिला है गोल्ड, किस इंडियन शूटर को गोल्ड मिला है
और राइट आंसर इज सिप कौर शर्मा. सिप कौर शर्मा. विच इंडियन आईटी मेजर हैज कोलैबोरेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज टू द फोरफ्रंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री. और राइट आंसर है इसका इंफोसिस. यह इंफोसिस कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को सामने लाया जा सके और इससे बहुत हेल्प हो बिजनेस ऑपरेशंस में अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज. सो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड हेल्थ डे से कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये सितंबर 26 को होता है. टू हाईलाइट द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरमेंट. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ गए हैं और ये लास्ट स्लाइड है आज का. यहाँ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेते हैं. व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पोटेंशियल ग्लोबल थ्रेट दैट हेल्थ एक्सपर्ट्स वॉर्न कुड बी डेडलियर देन कोविड-19 एंड मे क्लेम ओवर 50 मिलियन लाइव्स. और राइट आंसर है इसका पहला ऑप्शन डिजीज एक्स. विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप हैज अमेज़न अनाउंस्ड अ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू $4 बिलियन. यह ऐसा वोपिंग अमाउंट अमेज़न ने अनाउंस किया है, ये इन्वेस्टमेंट करेगा. किस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ चार ऑप्शन है और राइट आंसर इसका एंथ्रोपिक, सेकेंड ऑप्शन एंथ्रोपिक. इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. और एंथ्रोपिक इज अ सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप दैट वाज फाउंडेड इन 2017 बाय फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर्स. द कंपनी इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग सेफ एंड रिलायबल एआई सिस्टम्स. लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, विच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन नेवी टू प्रमोट करियर अपॉर्चुनिटीज अमंग द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया थ्रू द खामरी मो सिक्किम आउटरीच प्रोग्राम. एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है जिससे वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा. और राइट आंसर है इसका मारुति सुजुकी इंडिया. तो ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.